परिवर्तन तो आपने किया, भीतर जाके बेरा पाटा होगा, ठीक जगह नहीं किया। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने कह रहे ना सपने पूरे नीवर वो नीवर, सारे सपने अगले पिछले सारे पूरे हो जाएंगे। देखो मन तो वीरेंद्र सिंह में बनाना है, मेरी तो कि मैं चाल लेनी, बाकी मैं अपनी तरह तो भाई बड़े भाई ने स्वागत है। और इस परिवर्तन की बाट देख रहा है, हरियाणा ऐसे परिवर्तित होगा सब याद रखेंगे। नेतृत्व की जरूरत है। आज तो हरियाणा के अखबार वाले पूछे रहे के होगा उड़े मां बे, वो तो अगले पे पूछो बताओगा के होगा। मां मारी तरफ तो स्वागत है, मैं तो नुके हूं। मैं राजनीति को बहुत बढ़िया चीज नहीं समझता था, स्कूल बनाता था, हॉस्पिटल बनाता था, जनता की सेवा करता था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी प्रभारी बने कांग्रेस के, दिल्ली कांग्रेस के, और हमारे समधी हैं वो इनके मित्र थे, आईसी बंसल जी, उनके साथ हम मिले। इन्होंने कहा भाई सुशील दिल्ली के बनिए कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ रहे, और आप बनियों का नेतृत्व करते हो तो बनिए जोड़ो। मैं एक राजनीतिक घटना बता रहा हूं। मैंने कहा जी चलो जोड़ देंगे, सरकार है कांग्रेस की, बाकी कुछ फायदा फूदा तो करते नहीं, और हमने कि मैं चाहिए भी नहीं, इतना है कि भारतीय दुखी ना करो। तालकरोरा स्टेडियम में एक फंक्शन रखा, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनिया था और कांग्रेस की मुख्यमंत्री ब्राह्मण थी। हमने मुख्यमंत्री को बुला लिया और अध्यक्ष को बुला लिया। अध्यक्ष बोला मैं मुख्यमंत्री को बुला लिया, मैं तो नहीं आऊंगा। तो चौधरी साहब ने कहा मुख्यमंत्री का टाला करवा देता मैं, तारी जाति का है बुला लो, अच्छी बात रहेगी। वो पार नहीं पड़ी। और हुआ क्या इस दौरान, एक मारा मंत्री था वो हटा दिया, तो मैंने बहुत कह रहा एक था वो तमने सुहाया नहीं, पार मारी कुकर पड़ेगी। चौधरी साहब ने वायदा किया। मैं ये बात यहां से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि फिर इन्होंने कहा भाई तेरे को राजनीति में आना है। मैं नाटू था जी रहने दो, मैंने तो ऐसे ही ठीक हूं, जनता की सेवा कर रहे हैं इसमें मजा आ रहा है। हॉस्पिटल चला रहे थे उसमें 60 करोड़ रुपए साल की चैरिटी किया करते, सामाजिक काम थे, और सारे पार्टी वाले अपना आप जयराम जी करा करते, क्यों सब ने काम पड़ा था कुछ न कुछ। खैर इन्होंने धीरे धीरे राजनीति की इच्छा शक्ति वहां जागृत की, और मेरे को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर सदस्यता दी, वहां पे एग्जीक्यूटिव मेंबर मेरे को बनाया, और फिर मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ा, मेरे मंच पे भाषण देने के लिए चौधरी साहब भी आए, भूपेंद्र हुड्डा जी भी आए और राज बब्बर भी आए। एक बार संसद की बात है, राज बब्बर, चौधरी साहब और मैं एक कॉरिडोर में इकट्ठे मिल गए। तीनों मिलके बहुत हंसे, क्यों तीनों एक पार्टी थे, वहां तीनों तीन पार्टी से चले गए। तो परिवर्तन के साथ चौधरी साहब परिवर्तित हुए, और गले हरियाणा परिवर्तित कर लिया।
जहां तक एक आदमी 75 साल से ऊपर हो जाए और चेहरे पे मुस्कुराहट कामयाब रहे तो उसकी किस्मत खराब नहीं हो सकती कदे भी। टेलीविजन में देखो ये लीडर हंसना हंसना भूल जाए, कम हंसे हैं। तो आज फिर परिवर्तन का दौर चल रहा है चौधरी साहब, मैं ये कह रहा हूं। बहुत युवा इस देश का परिवर्तित हुआ है, दिल्ली पंजाब बदल दिया और हरियाणा में भी आग सी लग रही है। परिवर्तन तो आपने किया, भीतर जाके बेरा पाटा होगा ठीक जगह नहीं किया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप जैसे लीडर जिनके 50 साल के राजनीतिक जीवन में कोई भ्रष्टाचार की उंगली नहीं लगा पाया, 50 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर जिन्होंने कितने ही प्रधानमंत्री और कितने ही पार्टी अध्यक्ष के साथ बैठ के आंख में आंख मिला के बात करी, चाहे आज के हो और चाहे भूतपूर्व हो, या जो जनता बैठी है ना सारी, या भी परिवर्तन की बाट देख रही है। जानकारी ताली बजाओ, एक आधा नाटक तो क्या होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने कह रहे हैं ना सपने पूरे नीवर वो नीवर, सारे सपने अगले पिछले सारे पूरे हो जाएंगे। देखो मन तो वीरेंद्र सिंह ने बनाना, मेरी तो कि मैं चल लेनी, बाकी मैं अपनी तरह तो भाई बड़े भाई ने स्वागत है। और इस परिवर्तन की बाट देख रहा है, हरियाणा ऐसे परिवर्तित होगा सब याद रखेंगे। नेतृत्व की जरूरत है और मंच पर तुम्हें सुगरता ताली बाजेंगे बजा के देख लियो आप। बाकी अब मन तो आपने बनाना है, कुकर बनाओगे कब बनाओगे कहां बनाओगे ये आपकी मर्जी। 23 में बनाओ, 21 में बनाओ, 22 में बनाओ, बंधन तो लग रहा है कई साल पे। आज तो हरियाणा के अखबार वाले पूछो रहे के होगा उड़े, मां बे वो तो अगले पे पूछो बताओगा के होगा। मां मारी तरफ तो स्वागत है, मैं तो नुके सकू पार्टी के प्रभारी होने के नाते जिम्मेदारी से कह रहा हूं स्वागत है। और जितने दिन मैंने चौधरी साहब के साथ गुजारे, ईमानदारी की बात यह है जिंदगी का आनंद लिया, कभी आज तक किसी का बुरा सोचा नहीं, किसी का बुरा किया नहीं। राजनीति जीवन के अंदर रहते हुए ना उंगली इन्होंने टिकन दी ना हमने टिकन दी। एक बात और बता दूं, जब मैं आम आदमी पार्टी में गया ना, लोग नुकसान तो नहीं भीतर करेंगे, मैं बुला रहा मैंने इतने खोटे नहीं कर रखे, मैंने कोई भीतर करे, सीधा सीधा आदमी रहा हूं और करे तो भाई जानने तैयार हूं। जब बदलाव के बात में आए गए तो पंचायत में साची सच्ची बात बोल देनी चाहिए, वो मैंने हाथ जोड़ के बोल दी, बाकी सबको राम राम।